हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ टैब्यूलेटेड फंक्शन। मतलब क्या है कि हम लोग को मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। कोई भी एक टैब्यूलेटेड फंक्शन है, कोई सैंपल में डिस्क्रीट डेटा हमारे पास दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू पे वाई की वैल्यू इतनी होती है, उसके लिए हम लोग को मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना होता है। तो चीज जो बेस कॉन्सेप्ट है वो आपका सेम रहता है कि आप जो भी है dy by dx उसको आप इक्वल टू जीरो रखेंगे और इक्वेट करके कोशिश करेंगे अपना मैक्सिमा मिनिमा निकालने की। बट यहां पर थोड़ा सा आपको जो प्रोसीजर है टेबुलेटेड फंक्शन के लिए मैं पहले वो डिस्कस कराऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह से होता है ये न्यूमेरिकल करके। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बस जरूरत है, जो मैंने यहां करा दिया वही एनफ रहेगा, क्योंकि ये लेबनीज थ्योरम नहीं है कि मेरे एक कराने के बाद भी आपको 10 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। नहीं, यहां पर सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो वही काफी है। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए टैब्यूलेटेड फंक्शन का सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं न्यूटन का इंटरपोलेशन लगाता हूं, न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज करता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया, मैं यहां से इंटरपोलेशन लगाता जाता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता वो पॉइंट कौन सा है जिस पे मेरा मैक्सिमा या मिनिमा लाई करेगा। मुझे नहीं पता, 0.6 से मैं स्टार्ट करूंगा और मैं एक जनरल फॉर्मूला न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का लिख दूंगा। वो जो फॉर्मूला आएगा वो मेरे पास, क्योंकि मेरे पास एक वेरिएबल जो p होता है वो नहीं है, क्योंकि अगर इंटरपोलेशन में देखूं, अगर मुझे बोला जाता है कि मेरे को 0.63 के लिए निकालना है, तो बेसिकली मैं क्या करता था, y x नॉट प्लस पी एच, एच ये मेरा डिफरेंस। तो अब अगर इस पे देखूं तो यहां पर x नॉट में अगर 60 लूं और p और एच मेरा 0.05 है इज इक्वल टू 0.63, पी की वैल्यू मैं निकाल लेता था न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में, ऐसे करता था यहां से निकाल के फिर उस पर वैल्यू निकाल दी, वो पी की वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देता था क्योंकि फॉर्मूले में आपके पी रहता है, और क्वेश्चन को सॉल्व करता था। यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर बिकॉज मुझे वो पॉइंट नहीं पता जिस पर मैक्सिमा या मिनिमा लाई करता है, तो मैं जो इक्वेशन है उसको पी की टर्म्स में बनाऊंगा, इन टर्म्स ऑफ पी आई विल क्रिएट द इक्वेशन। जो इक्वेशन आएगी उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रेस्पेक्ट टू पी, इसको अगर डिफरेंशिएट कर दिया मैंने और इक्वल टू जीरो रख दिया, तो मेरे पास बड़े इजीली मेरा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो वैल्यू ऑफ पी है वो फाइंड आउट मैं कर लेता हूं। ये वैल्यू फाइंड आउट करके अगेन मैं जब इधर पुट करूंगा फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के फॉर्मूले में, तो मेरे को मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यू मिल जाती है और ये मेरे स्टेप्स रहते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं जिसमें कि आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ये कैसे किया पूरा प्रोसेस। तो अभी सबसे पहले इंटरपोलेशन के लिए मेरे को ये डेटा अपना वर्टिकली मैं लिख लूंगा और इसका डिफरेंस टेबल बना लूंगा। आई होप सबको डिफरेंस टेबल आता होगा इस लेवल तक आने तक, क्योंकि यूनिट 4 में हम बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं, तो यहां पर आपको इतना तो आता होगा। तो मैं वो डायरेक्ट आपके लिए डिफरेंस टेबल यहां पर बना रहा हूं। सो डिफरेंस टेबल मैंने यहां पर बना लिया, एक्स वाई की वैल्यूज थी, इन दोनों को मैंने यहां पर अगर इस वैल्यू से y1 से y0 माइनस करूंगा तो मेरे पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा, देन y2 से y1 माइनस करूंगा, इन दोनों को माइनस करूंगा यहां पर, तो मेरे पास यहां पर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस यहां पर आएगा और इसी तरह यहां पर, देन सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस मैंने निकाला और ये मैंने अपनी डिफरेंस टेबल बना ली। अब यहां पर न्यूटन इंटरपोलेशन लगाऊंगा और अपनी जो वैल्यूज है वो चेक करूंगा कि क्या आती है। सो नाउ मैंने फॉर्मूला अपना लिख लिया है, एक्स नॉट यहां पर फॉरवर्ड डिफरेंस हमेशा जब भी लगाओगे आप सबसे पहली जो आपके पास सैंपल है वहीं से लगाना है, एक्स नॉट उसको रखा, एच मेरे पास जो है इन दोनों का डिफरेंस जो कि 0.05 है, यहां पर जो आपका न्यूटन का फॉर्मूला है मैंने वही लिखा है, वाई नॉट प्लस पी
फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, देन सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, देन थर्ड, और यहां पर पी पी माइनस वन। आई होप ये आपको याद होगा। तो मैंने इसका यूज यहां पर कर लिया। अब मैं इन वैल्यूज को पुट करूंगा और y नॉट की, जो कि मेरे पास यहां पर ये है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कुछ इस तरह से, जो कि ये है, ये है, तो ये सब मैं पुट करूंगा। अब इनको पुट करेंगे तो यहां पर मेरे पास पुट करने पे आएगा y नॉट इज 0.6221 प्लस p की वैल्यू मुझे नहीं पता है 66 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी बाय 2 फैक्टोरियल, यहां पर वैल्यू है 0.0049। ये चीज जीरो है तो बस इतना ही रखेंगे। अब ये मेरे पास आ गया, इसमें मैं डिफ्रेंशिएशन लगाऊंगा dy बाय dp। सो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy बाय dx नॉर्मली हम जीरो करते हैं। अब यहां पर क्योंकि p की टर्म्स में है तो dy बाय dp भी इज इक्वल टू जीरो रहेगा निकालने के लिए। दिस इंप्लाइज कि dy बाय dp इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। अब इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं, मतलब विद रेस्पेक्ट टू p डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, यहां पर देखूंगा यहां पर p की कोई टर्म नहीं है तो ये जीरो बन जाएगा, प्लस यहां पर सिंगल p है तो 1.0066 प्लस p स्क्वायर है तो 2p माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल और साथ में 0.0049 ये आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा बिकॉज दिस ऑल इज इक्वल टू जीरो। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो p की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी और जो p की वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है वो ये है। अब p की वैल्यू आई, इसका मतलब मेरे को वो पॉइंट मिल गया। x नॉट मेरे पास कितना था, x नॉट मेरे पास था यहां पर 0.6। p की वैल्यू मेरे पास कुछ आई, देखेंगे आप अगर इसमें यहां पर देखेंगे p की वैल्यू x नॉट 0.60, p की वैल्यू 1.8469 इंटू एच की वैल्यू 0.05। तो इससे हुआ क्या है, इससे मेरे पास एक्स की वो वैल्यू आ गई जिसपे मेरे पास मैक्सिमा या मिनिमा लाय करता है। पी मेरा निकालने का जो मकसद था, इससे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास पी की वैल्यू फाइनली आ रही है 0.6923। स्पेसिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है बस मैं आपको समझाने के लिए। ये मेरे पास पी की वैल्यू थी यहां पर, उससे मैंने एक एक्स की वैल्यू निकाली। अब अगेन वो यहां पुट करूंगा क्योंकि मेरे पास अब पी की वैल्यू है, या तो मैं यहीं पुट कर दूं इस पी की वैल्यू को या फिर एक्स करके करूं, कैसे भी कर सकता हूं, और अपनी जो रिजल्ट है वो निकाल लूंगा। सो नाउ लास्ट स्टेप है मैक्सिमम या मिनिमम, मुझे ये चेक करना है। तो p की वैल्यू मेरे पास ये आई थी, मेरे पास x की वैल्यू ये आई 0.6923। अब यहां पर चेक करता हूं y की वैल्यू पुटिंग p इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में, या फिर आप सीधा यहां तक मैंने सॉल्व कर दिया था तो यहां पर मैं अगर डालूंगा तो 0.6221 प्लस 1.8469 माइनस 0.0066 प्लस p की वैल्यू अगेन 1.8469 का स्क्वायर माइनस अगेन p की वैल्यू 1.8469 बाय 2 फैक्टोरियल और अगेन ये चीज वापस। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आया 0.6137। ये जो मेरा आंसर है 0.6137,
ये वाई की वैल्यू है, ये मैक्सिमा है मिनिमा है, ये डिसाइड करने के लिए मैं यहां पर टेबल में अगेन देख लूंगा, ये मेरी वाई की वैल्यूज हैं और ये मेरी एक्स की वैल्यू है, ये मेरी वाई की वैल्यू है। तो यहां पर 0.6137, तो यहां पर 6137 से ऊपर वैल्यूज है, ये अगर लाई कर रही है 6137 तो ये मिनिमा है। मिनिमा किस पॉइंट पे है? मिनिमा इस पॉइंट पर है, एक्स की जो वैल्यू निकाली थी मैंने। तो हालांकि मैंने थोड़ा इस बार खराब करा है, ये मुझे अलग अलग लिखने चाहिए थे, बट समझाने के लिए बहुत इजी स्टेप है। पहले मेरे को पी निकालना था बेसिक, कि किस पी पे वैल्यू डाल के मैं वाई की मैक्सिमा या मिनिमा निकालूं, और जो पॉइंट अगर बताना है तो वो यहां पर मैंने डाल के और निकाल लिया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। इसके क्लियर नोट्स मैं आपको अपनी ऐप में प्रोवाइड कराए हैं, आप जाएं और चेक कर लें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।